बड़ी बिल्डिंग, बड़े नाम और महंगी फीस, शिक्षा के लिए ये सब जरूरी नहीं। जरूरी है तो शिक्षा को व्यवसाय के बजाय सामाजिक जिम्मेदारी समझने वाले लोगों की। इसीलिए अपने आप सबका स्वागत है द यूनिक पॉइंट कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे मैथ्स 10th क्लास की, जिसके अंदर त्रिकोणमिति चैप्टर नंबर 6 है हमारा, वो आज हम अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। त्रिकोणमिति, त्रि का माना होता है दोस्तों तीन, त्रि का माना तीन, कोण का माना कोण, और मिति का माना होता है फ्रेंड्स माप। तो आराम से हम पढ़ सकते हैं कि तीन कोणों का माप, तीन कोणों का माप। तीन कोणों के माप से स्पष्ट हो रहा है कि इसके अंदर त्रिभुज यूज हो रहा है, यानी ये सी वो आकृति जिसमें तीन कोण यूज होते हैं उसे हम त्रिभुज कहते हैं, और जो त्रिभुज इसके अंदर यूज होता है उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण, समकोण त्रिभुज। उस त्रिभुज को हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज से हम समझ सकते हैं कि एक कोण जो होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का एंगल होता है, यानी ये जो अपना कोण है वो है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है दोस्तों वो होती है हमारी कर्ण भुजा, जिसे हम कर्ण बोलते हैं और के से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम नाम दे लेते हैं पहले ए बी और सी, यानी बी सी जो भुजा है वो हमारी है कर्ण, और एक आधार होता है जिसे हम आधार, आराम से आधार इसे भी मान सकते हैं और इसे भी मान सकते हैं, वो कोण के अकॉर्डिंग मानते हैं। जैसे मैंने इसको मान लिया आधार, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं, और ये हो गया हमारे लंब, जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स आज हम पहले पढ़ते हैं कि जो चैप्टर नंबर 6 में जो यूज होता है हमारे सारणी, त्रिकोणमिति की जो सारणी होती है उसके बारे में हम आज जानेंगे कि सारणी हम कैसे याद रखें, कैसे उसे बनाएं। कई बच्चों के प्रॉब्लम रहती है कि सर सारणी तो क्वेश्चन तो हमें आते हैं लेकिन सारणी का मान हमें याद नहीं रहता है। तो मैं कहता हूँ आप याद मत कीजिए, इसे रटिए नहीं बल्कि इसे समझिए। तो देखिए फ्रेंड्स एक सारणी बना रहा हूँ मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने यहाँ मान लिया थीटा कोण, थीटा कोण, तो हम देख रहे हैं सारणी। सारणी में जैसे सबसे पहले अपन मान लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं अपन थीटा, यहाँ पर 0 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन को बेसिकली एक तो ये मान याद होने चाहिए भाई अपन कौन कौन से कोण इसमें ले सकते हैं, फिर इनके जो नाम है क्रम वाइज नाम हमें याद होना चाहिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो बेसिकली हमें साइन का मान हमें याद होना चाहिए, साइन का मान आप याद कर लीजिए जिससे आप आसानी से पूरी सारणी को बना सकते हैं। तो देखिए आज आइए हम सारणी का साइन का मान लिखते हैं। साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है अपने √3/2 और साइन 90 का मान होता है अपने 1। तो फ्रेंड्स आपको ये साइन का एक सारणी हमें याद रखनी होगी। पहली लाइन यदि हमने याद रख ली तो आसानी से सारी सारणी को हम बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ से इसको अपन यहाँ से पकड़ेंगे, बेसिकली भाषा में मैं बोल सकता हूँ इसकी पूंछ पकड़नी है भैया, मैं तो इसकी यहाँ से इसको पकड़ के इसको घुमा दीजिए आप, तो एक हमारा यहाँ आ जाएगा, एक के पीछे क्या चल रहा है भाई √3/2 है, √3/2 के पीछे 1/√2 है, 1√2 इसके पीछे 1/2 है और उसके पीछे 0। तो दूसरी लाइन भी हमारे पास आ गई, यानी कि हमारे पास कोस का मान भी हमारे पास आ गया है। अब इसी प्रकार हम टेन का मान ज्ञात करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सारा काम है अपना वो कौन करेंगे भाई, अपना सारा काम है जो कि कोस भैया करेंगे। कोस भैया आप क्या करेंगे, कोस अपने मान का भाग दे देंगे साइन में, यानी अपने मान से डिवाइड कर देंगे भाई साइन के मान को, यानी 1 भाग देगा 0 में, √3/2 भाग देगा 1/2 में, 1/√2 भाग देगा 1/√2 में और 1/2 भाग दे देगा अपने √3/2 में और 0 भाग दे देगा
एक में। तो आइए देखते हैं भाग किस प्रकार देते हैं, कि जब हम एक का भाग जीरो में देते हैं तो हमें पता है कि जीरो आता है, ठीक है। अब अपने को भाग देना है एक बटा दो के अंदर रूट तीन बटा दो का, तो इसके अंदर जो हर नज़र आ रहा है हमें, यानी जो हमारे पास बिन है एक बटा दो, इसमें अपने हर है दो और इस बिन में भी अपने हर है दो, तो हर से हम हर को काट देंगे, तो पीछे बचा अपने पास एक और इसके अंदर बचा अपने पास रूट तीन, यानी ऊपर वाले के पास तो बचा एक और नीचे वाले के पास बचा रूट तीन, ऊपर है तो ऊपर लिख देंगे यानी अंश बना देंगे उसे, और नीचे वाला का जो अंश था उसे बना देंगे अपन हर। एक बटा रूट दो का भाग एक बटा रूट दो में देंगे तो आएगा अपने पास एक। उसी प्रकार हर हर सेम है तो हर हर को काट देंगे तो ऊपर बचा अपने पास रूट तीन और नीचे बच गया अपने पास एक। यदि आप एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अन्यथा कोई इसकी आवश्यकता नहीं होती है। उसी प्रकार अब हम जीरो का भाग देंगे एक में, जब हम जीरो का भाग एक में देते हैं तो हमारे आता है अनंत, अपने आता है भाई अनंत आता है, इसे आप हिंदी में भी लिख सकते हैं अनंत, ठीक है दोस्तों। तो अब हमें क्या करना है, वही प्रक्रिया जैसे हमने एक को यहाँ से पकड़ा और घुमा दिया था, उसी प्रकार से अनंत को पकड़िए और इसको पूरी लाइन को घुमा दीजिए, तो अनंत अपने आ जाएगा जीरो के ऊपर, फिर उसके पीछे रूट तीन बटा एक आ गया, फिर आ गया एक, फिर आ गया एक बटा रूट तीन, और उसके बाद आ गया भाई अपना जीरो। तो जैसा कि मैंने बताया था, सारा काम अपने करने वाले जो भैया हैं वो है अपने कोश भैया, वही सारा काम करेंगे। तो अब कोश क्या करेगा अपने काम, कोश ये करेगा जो अपने मान को उल्टा कर लेगा, यानी हमें क्या याद करना है, सेक याद करना है, तो सेक के लिए कोश क्या करेगा भाई, अपने मान को उल्टा कर लेगा, यानी एक को जब हम उल्टा करते हैं तो आता है एक, इसको जब हम उल्टा करेंगे तो दो बटा रूट तीन हो जाएगा भाई, यानी जो हर था वो तो बन गया अंश और जो अंश था वो बन गया भाई हर। उसी प्रकार रूट तीन बटा एक लिख सकते हैं अपन, दो बटा एक लिख सकते हैं अपन, और जीरो को यदि उल्टा करें यानी जीरो के नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक मान सकते हैं, यदि हम इसे उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा एक बटा जीरो, यानी एक बटा जीरो हो जाएगा। जब जीरो का भाग एक में देते हैं तो हमें पता है भाई क्या आता है, अनंत आता है। उसी प्रकार वापस वही प्रक्रिया सेम जो हम बाकी सारने में की थी हमने, वही प्रक्रिया कि यहाँ से उसको पकड़ना है और इसको घुमा देना है, तो हमारे अनंत आ जाएगा यहाँ पर, उसके अनंत के पीछे अपने पास दो बटा एक है तो दो बटा एक, उसके पीछे रूट दो बटा एक है तो दो रूट दो बटा एक, और उसके पीछे अपने पास है भाई दो बटा रूट तीन है, और अंत में अपने पास है एक, तो आ गया भाई अपने पास एक। तो फ्रेंड्स इस सारणी को आप कम से कम दो तीन बार प्रैक्टिस करें, मुझे उम्मीद है कि ये सारणी आपको ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की हमारी ये पहली क्लास आप सबको समझ में आई होगी। आगे का लेसन हम नेक्स्ट क्लास या मैं बोल सकता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। मैं चाहता हूँ कि आप लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ये आपकी ही कोचिंग क्लासेज है, द यूनिक पॉइंट कोचिंग क्लासेज, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो भूले ही नहीं, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़्यादा से लाइक सब्सक्राइब हुए कमेंट्स ज़रूर देंगे। थैंक यू दोस्तों।